हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड स्किल। आज अपन बात करेंगे रॉबिन शर्मा की सबसे फेमस बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक के बारे में। दोस्तों, ये बुक लिखी है ऑथर रॉबिन शर्मा ने। इस बुक के अंदर जब ऑथर रॉबिन शर्मा को उनके पिता ने एक बात कही कि जिसको वो हमेशा याद रखते थे, वो बात ये थी कि उनके पिता ने उनको कहा था कि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे एवं पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा था, पर अपने जीवन को तुम ऐसे जियो कि जब तुम इस दुनिया से विदा लो तो पूरी दुनिया रोए और तुम खुश हो। इसी बात को उन्होंने रॉबिन शर्मा ने उनकी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में लिखा है। इस बुक में ऑथर ने 101 बातें बताई जो उन्होंने जीवन में सीखी है। इन चीज़ों का को जानकर हम भी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इस बुक का शीर्षक ये नहीं कहता कि हमारे मौत के बाद कितने लोग रहेंगे, बल्कि इस बुक का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें किस तरह याद रखे जाना पसंद करेंगे, कौन सी बात के लिए हम याद किए जाएंगे और कौन सी बात के लिए हमें याद किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑथर रॉबिन शर्मा के बारे में। रॉबिन शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल के CEO हैं। वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक हैं। उनकी लिखी हुई किताबों कई लोगों के जीवन में अच्छे और गहरे बदलाव लाए हैं। द मॉम हू सोल्ड हिज फरारी, द 5M क्लब, ये द लीडर विदाउट अ टाइटल, ये उनकी कुछ फेमस किताबें हैं। अब बात करते हैं इस बुक की समरी के बारे में। उसका पहला पॉइंट है डिस्कवर योर कॉलिंग, यानी कि अपने लक्ष्य की खोज करें। हर इंसान कुछ खास मकसद के लिए इस दुनिया में आते हैं। उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खास क्वालिटीज हमें मिली हैं। हमें उस क्वालिटीज़ की पहचान करनी तथा उसको और विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकें। और तब कई लोगों को पूछते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे जिए, तो ऑथर जवाब देते हैं कि खुद को जानो, इस धरती पर आने के अपने लक्ष्य को पहचानो तथा उस पर काम करो। गांधी जी ने जैसा कि कहा है कि जैसा बदलाव आप जीवन में लाना चाहते हैं पहले वो बदलाव खुद में लाइए, तो आपका जीवन भी उसी तरह बदल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपना परिप्रेक्ष्य बनाए रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैंने हमेशा नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। हम ये नहीं देखते कि पूरी स्थिति में हम कैसे संभाल सकते हैं, कैसे हम नकारात्मक चीज़ों को में भी सकारात्मक चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि कहावत भी है कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन, असल में कोई भी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारी धरती इस ब्रह्मांड में एक छोटे से कण से भी छोटा हिस्सा है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, असंख्य आकाश गंगा है। उसके परस्पेक्ट में यदि हम धरती को देखेंगे तो एक बिंदु से भी छोटी दिखेगी। उसी तरह हमारे प्रॉब्लम्स भी हमारे बड़े जीवन में बिल्कुल एक छोटी बहुत छोटी सी है। हम इस धरती पर बहुत ही कम समय में के लिए आए हैं और जीवन वैसे भी अनसर्टेन है, तो इसलिए हमें अपने जीवन और समय को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए और हर चीज़ में पॉजिटिव बातें ढूंढ कर जीवन में सदैव खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस तो लव, आत्म अनुशासन का पालन करें। ऑथर आत्म अनुशासन के बारे में कह रहे हैं, आत्म अनुशासन ही होते हैं जिससे इंसान अपने से इस्तेमाल करना सीखता है, अपने कामों की प्राथमिकता बनाता है और सही से सही काम करना, लोगों से सही बर्ताव करना, सभी लोगों की डिग्निटी और रेस्पेक्ट को मेंटेन करना, जीवन में सकारात्मक विचार रखना, वो सब सीखता है। जब हम खुद के साथ थोड़ा सख्त होते हैं तो जीवन हमारे लिए आसान हो जाता है। रोज़ के फैसले और आदतें ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जो आज डिसीजन लेते हैं वही हमारा भविष्य बनाते हैं। जब हम आसान चॉइसों के बदले मुश्किल चुनाव करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है, तो वो हमें ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा परिणाम ही देते हैं। दुनिया में जितने ही भी महान लोग हैं वो महान इसी आदत से बने हैं। उन्होंने भी जीवन में अपनी चुनौतियों को समझा और कुछ ना कुछ खड़ा किया और उन चुनौतियों से मिले, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद जी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है सी योर ट्रबल्स एज ए ब्लेसिंग, यानी कि अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह देखें। जीवन में आई कई परेशानियों से हमें बहुत नुकसान होता है और उस पर हमेशा हम इंसानों का ध्यान जाता है, पर इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि कोई भी परेशानी हमें कितना कुछ सिखा कर जाती है। हकीकत में परेशानियाँ ही जीवन को मजबूत इंसान जीवन व इंसान को मजबूत बनाती हैं। नई चुनौतियाँ इंसान में नई काबिलियत नई स्किल्स डेवलप करती हैं।
हर बड़ी सफलता का सफर असफलता से ही शुरू होता है और हर असफलता हमें सफल और समझदार बनाती है। आसान स्थिति में हम कभी भी जीवन में बेहतर नहीं बन सकते, बल्कि जीवन में बेहतर बेहतर बदलाव मुश्किल परिस्थिति के सामना करने के बाद ही होता है। इसलिए हमें अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए, जो आपको सफल और समझदार बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि हर परेशानी से इसे गुजर के ही आदमी जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे अगर सोना भट्टी आग की भट्टी में दबकर और ज़्यादा चमकदार हो जाता है, उसी तरह इंसान की परेशानी भी इंसान को और ज़्यादा मजबूत है और बुद्धिमान बनाती है। पांचवा पॉइंट है ब्लेस योर मनी, आपका पैसा आपका आशीर्वाद। जब हम पैसे खर्च करके ग्रोसरीज खरीदते हैं तो हमें उन लोगों को दुआएं देनी चाहिए जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके ये पैसा लिया है। जैसे हम जो दुकान से कोई सामान खरीदे तो जब हम उसका बिल पे करें तो साथ में लोगों को ये दुआएं भी दे कि हमारा दिया हुआ पैसा हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाए। ऐसे भी दुनिया में कहावत है कि आप जैसा दुनिया को देंगे वही रिफ्लेक्ट होकर आता है। अगर हम प्रेम बांटेंगे तो प्रेम ही मिलेगा, और बुराइयाँ करें बुराई बांटेंगे या अच्छी बात नहीं करेंगे तो जीवन में रिफ्लेक्ट होकर भी वही आएगा। तो पैसे तो किसी न किसी रूप से हमारे पास वापस आए गए, बल्कि जो दुआएं दे रहे हैं हम वो भी दुआएं हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर लौटेंगे। सो हमेशा जीवन में अच्छाइयाँ बांटनी चाहिए तो हमारे पास अच्छा ही आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गेट बिहाइंड द पीपल्स आईबॉल्स, एक अच्छा श्रोता बनना। ऊपर वाले ने हमें दो कान और एक मुंह क्यों दिया है, क्योंकि जितना हम बोले उससे दो गुना हम सुने। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं और उनके नज़रिए को सुनते हैं समझते हैं तो हमारी बॉन्डिंग और अच्छी और गहरी हो जाती है। हर कोई दूसरों से प्यार और अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता है, पर उसके लिए सबसे पहले गुड लिस्टर बनना ही पड़ेगा। जब हम दूसरों को सुनेंगे और समझेंगे तभी हम उसे हमें पसंद करेंगे, उससे फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा और हम काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख भी पाएंगे। इसलिए हमेशा गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए गुड लिस्टर बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट योर प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाए। जैसा कि चार्ल्स कैटन ने कहा कि एक समस्या जो अच्छी तरह से बताई गई है वह ऐसी समस्या जिसका आधा हल निकल जाता है, यानी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का पहले के बारे में अच्छे से जान लेते तो उसके आधे समस्या का हल तो वहीं निकल जाता है। दिमाग हमारा सबसे अच्छा मित्र भी और शत्रु भी है, तो हमें बात याद रखनी चाहिए कि वो भूल जाता है और भूल जाना भी चाहिए जो उसे याद आता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सारे परेशानी को एक कागज़ पर लिखिए, फिर उसके आगे उसको देखिए कि कौन सा सॉल्यूशन है और किसका नहीं है। इससे आप जब आप आज के आगे रिमार्क लिखेंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे और उन परेशानियों को सही तरीके से समझ कर सुलझा पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे सफल लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इवन ब्रूस ली भी अपनी परेशानी को इसी तरह से लिखते थे तथा उसके आगे रिमार्क में लिख देते थे किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है किसका नहीं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसके चिंता करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। सो बहुत सी परेशानी कुछ किया नहीं जा सकता और बहुत सारी परेशानी आसानी से सॉल्व हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सारी परेशानी एक पेपर पर लिस्ट बनाकर उसके आगे लिखना चाहिए, ताकि इससे हमारे मन को काफ़ी हल्का महसूस होगा और हमें उसके सॉल्यूशन पर फोकस करने में सहायता मिलेगी। सो दोस्तों, ये था इस बुक समरी का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम उसके अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।